एक बार लुक। मधु जी म्यूट पे हो गए। ये बाबू ये हाँ मैं बता रही हूँ, ये हाँ बाबू, हाँ ये आके, ये करेक्ट माँ, हाँ सिकित, दीपाली और पल्लवी। हाँ सिकित कैमरे के जस्ट पास में जी। रेडी प्लीज। राधा दीपाली रेडी रोल एंटर कर दीजिए। आरएस उधर से रोल एक्शन। क्या के बैठा और बोल रहा है पाबू आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या बात है पाबू बताइए ना। दीपा बोली आर के ये बात तो तुम्हें उस इंसान से पूछनी चाहिए जो पाबू के यहाँ बैठने का कारण है, तुम्हारी प्यारी सासू माँ। क्या के बोल रहा है आपने पाबू से बदतमीजी की है क्या? दीपा बोल रही है वो बात नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितना कि पाबू का मन मान और सम्मान। इन्हें बहुत बुरा लगा है कि इन्होंने उनसे बदतमीजी की और ये अनशन करके उस दिन से यहाँ बैठ गई हैं। राधा जी बोल रही हैं रिशु बस कुछ बातें ऐसी हुई कि सॉरी अभी यहाँ से देखा सॉरी रवि कम कर बाय रोली एक्शन। क्या के बोल रहा है पापू आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या बात है बताइए ना। दीपा बोली आर के ये बात तो तुम्हें उस इंसान से पूछनी चाहिए जो इनका मन दुखाया है, वो है सासू माँ। क्या के आपने इनका मन दुखाया है? दीपा वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आर के जितना कि पाबू का मान सम्मान। इन्होंने बहुत ही भला बुरा कहा और उस दिन से सासू माँ पाबू अपनी अनशन पे बैठ गई हैं। राधा बोल रही हैं रिशु बस कुछ बातें ऐसी हुई कि क्या के माँ तो बस माँ होती है, माँ से पवित्र शब्द दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले माँ बोलता है, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तभी सिक्की थोड़ा सा इधर से आया और अपनी मम्मी के राधा जी के पास आया और बोला सॉरी मम्मी जी आपने इमोशनल मत होइए। क्या के बोल रहा है और माँ ऐसे अनजल त्याग कर अनशन पर बैठ जाए तो औलाद कहाँ जाए? पापा बोल रही है बस कर रिशु बस। क्या के बोल रहा है अरे आप सब तो रोने लगे। सिक्की बोल रहा है इतना इमोशनल जो कर दिया यार तूने, एक एक शब्द डायरेक्ट दिल पे लगा है ना। क्या के बोल रहा फिर तो मेरी अगली फिल्म का नाम पक्का है, ये मेरी उसी फिल्म का मोनोलॉग है और फिल्म का नाम है माँ के लिए मर मिटूंगा। दीपा बोल रही है आर के सीरियसली? क्या के बोल रहा है चलिए पाबो मधु ने माफी मांग ली है, अब आप भी अपना बड़प्पन समझ के दिखाते हुए सबको माफ कर दीजिए। ठीक है तो फिर मैं भी यहीं बैठूंगा आपके साथ और मेरा भी अनशन है, मेरी पाबो खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि दो दिन से मैंने भी खाना वाना नहीं खाया। पाबो बोल मैं बहुत थक हार गया हूं, फ्रेश होकर आता हूं, आप सब यहीं रहिए। और वो निकल गए। उनके निकलने के बाद सब लोग एक एक करके निकल गए। क्या कहने कहा रहे आप सब तो इमोशनल हो गए। करेक्ट ओके नेक्स्ट ठीक है ना। वेरी गुड इतने ही छोटे हैं। चलो रेडी सुनना अभी आजा थोड़ा पीछे दी थोड़ा पीछे ओके रो ओके ओके रोले एक्शन। ओके और हाइट कम कर अपनी। हाँ थोड़ा लेफ्ट बस थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट बैलेंस ओके रोलिंग एक्शन। हाँ आ तो गए हैं भाभी जी लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है, पहले चीप भीम जेल गए वो भी किसी को बिना बताए, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं बताया और अब कह रहे हैं कि उनकी नई फिल्म का नाम है माँ के लिए मर मिटूंगा, जबकि मैंने चीफ के पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट तो देखी नहीं और इस नाम की तो कोई फिल्म पहले से मुझे पता भी नहीं है। आजकल चीफ भी एकदम सरप्राइजिंग कैरेक्टर होते जा रहे हैं भाभी जी, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। उन्होंने बोला और वो चले गए। निकल अभी आइए थॉट प्रोसेस फिर से एक चार्ज रोलिंग रोलिंग रेडी वही रोलिंग
रोलिंग एक्शन। बिट्टू जी गए, कट। पहले माँ से मिले, माँ को बोला अब इधर लुक देना और इधर एक्शन कर लिया। ओके थोड़ा अबे ये माँ। ओके रोल कट।